नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रमोद सावंत ने गोवा के नए मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला, 11 अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ली। 97 संसदीय सीटों के चुनाव के लिए दूसरे चरण की अधिसूचना आज। भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज शाम नई दिल्ली में। कांग्रेस ने 56 उम्मीदवारों की पांचवी सूची जारी की। लंदन की एक अदालत ने भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी का गिरफ्तारी वारंट निकाला। चीन ने पाकिस्तान स्थित लश्कर ए तैयबा द्वारा 2008 के मुंबई हमले को सबसे भयानक आतंकवादी हमला बताया। और अबुधाबी में विशेष ओलंपिक विश्व खेलों में भारत ने 50 स्वर्ण सहित 188 पदक जीते। समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। भारतीय जनता पार्टी विधायक प्रमोद सावंत को कल देर रात गोवा के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। उन्होंने श्री मनोहर पर्रिकर का स्थान लिया, जिनका लंबी बीमारी के बाद रविवार को निधन हो गया था। राज्यपाल मृदुला सिन्हा ने 46 वर्षीय सावंत को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। 11 अन्य मंत्रियों को भी शपथ दिलाई गई। मनोहर पर्रिकर मंत्रिमंडल के सभी मंत्रियों को भी शपथ दिलाई गई। शपथ ग्रहण से पहले श्री सावंत ने गोवा विधानसभा अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। शपथ ग्रहण के बाद प्रमोद सावंत ने कहा कि वो श्री मनोहर पर्रिकर के दृष्टिकोण, विचारों और सपनों को आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने बताया कि सरकार की प्राथमिकता मानव संसाधन और बुनियादी ढांचे के विकास पर होगी। सोमवार को भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गठबंधन के दलों और पार्टी विधायकों के साथ लंबी और कई दौर की बातचीत के बाद नए मुख्यमंत्री का चयन किया था। भाजपा को महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी, गोवा फॉरवर्ड पार्टी के साथ साथ 3 निर्दलीय विधायकों का समर्थन प्राप्त है। गोवा से सैकत सरकार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं शशांक कुमार। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए अधिसूचना आज जारी की जाएगी। 13 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की 97 सीटों के लिए इस चरण में 18 अप्रैल को मतदान होगा। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 26 मार्च है। नामांकन पत्रों की जांच अगले दिन होगी। उम्मीदवार अपने नाम 29 मार्च तक वापस ले सकेंगे। इस चरण में तमिलनाडु की सभी 39 लोकसभा सीटों पर चुनाव होगा। एक रिपोर्ट। राज्य पुलिस ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए 67,000 पुलिस बल और 34,000 सेवानिवृत्त पुलिस कर्मियों को लगाने का फैसला किया है। चुनाव ड्यूटी के लिए इनकी तैनाती केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के साथ की जाएगी। मदुरई लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 18 अप्रैल को मतदान की अवधि 2 घंटे बढ़ाई गई है। 10 दिन के कला अजगर उत्सव के लिए लाखों लोगों के भाग लेने की संभावना के कारण ये निर्णय लिया गया है। निर्वाचन आयोग ने बताया कि इस निर्वाचन क्षेत्र में मतदान रात 8 बजे तक चलेगा। चेन्नई से जयसिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नईम अख्तर। हमारे लखनऊ संवाददाता ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में 8 सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया आज शुरू होगी। राज्य की 8 सीटों के लिए आज नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी, जिसमें 4 सामान्य सीटें अमरोहा, अलीगढ़, मथुरा और फतेहपुर सीकरी तथा 4 सुरक्षित सीटें शामिल हैं, जिनमें नगीना, बुलंदशहर, हाथरस और आगरा हैं। जिन 8 सीटों पर 18 अप्रैल को वोट पड़ेंगे, वहां कुल 1,40,00,000 वोटर हैं, जिसमें से 64,00,000 महिलाएं हैं। लगभग 2,50,000 से अधिक युवा यहां पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। कल पहले चरण के नामांकन शुरू होने के बाद पहले दिन कोई भी पर्चा दाखिल नहीं किया गया। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के अलावा इस चरण में कर्नाटक में 14, महाराष्ट्र में 10, असम, बिहार और ओडिशा में 5-5, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में 3-3, जम्मू कश्मीर में 2, जबकि मणिपुर, त्रिपुरा और पुदुचेरी में 1-1 सीट पर मतदान होगा। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की आज शाम नई दिल्ली में बैठक होगी। इसमें लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा। इस सूची में अगले महीने की 11 तारीख को 91 और 18 तारीख को 97 सीटों के लिए होने वाले पहले और दूसरे चरण के अधिकांश उम्मीदवारों के नाम होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी अध्यक्ष अमित शाह और अन्य शीर्ष नेता इस बैठक में भाग लेंगे। कांग्रेस ने लोकसभा चुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों की पांचवी सूची जारी कर दी है। इस सूची में 56 नाम शामिल हैं। कांग्रेस चुनाव समिति ने कल शाम नई दिल्ली में हुई बैठक में प्रत्याशियों के नाम तय किए। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आगामी आम चुनाव से संबंधित विशेष चर्चा जनादेश 2019 सोमवार 18 मार्च से चुनाव परिणाम आने तक प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर प्रतिदिन
शाम 4:05 से 4:30 तक सुना जा सकेगा। लंदन की एक अदालत ने भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। वो पंजाब नेशनल बैंक घोटाले का मुख्य आरोपी है। प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन के एक मामले में नीरव मोदी के प्रत्यर्पण का अनुरोध किया था। अधिकारियों ने बताया कि वेस्टमिंस्टर अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय को वारंट जारी किए जाने की सूचना दे दी है। जल्द ही स्थानीय पुलिस उसे हिरासत में ले सकती है। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 34वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में रियल एस्टेट क्षेत्र में जीएसटी की घटी दरों को लागू करने सहित कई मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। सूत्रों ने बताया कि चुनाव आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण दरें तय करने से संबंधित कोई मुद्दा कार्यसूची में शामिल नहीं है। अभी निर्माणाधीन संपत्ति और फ्लैट्स पर 12% जीएसटी लगता है। प्रसार भारती के अध्यक्ष ए सूर्य प्रकाश ने कहा है कि प्रसारण में नए दौर की उन्नत तकनीकों के आने से प्रसारण में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। कल हैदराबाद में पहले भारत अंतर्राष्ट्रीय प्रसारण सम्मेलन में श्री सूर्य प्रकाश ने कहा कि सूचना क्रांति के इस दौर में प्रसारण क्षेत्र में भारी बदलाव हुआ है। एज ए पब्लिक ब्रॉडकास्टर फॉर प्रसार भारती द ब्रॉडकास्टिंग लैंडस्केप इज अवर मोस्ट सिग्निफिकेंट फॉर वी एम टू स्टे अहेड ऑफ एस्पिरेशन कंजम्पशन एंड टेक्नोलॉजी कर्व रीअफर्मिंग द फेथ मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ सिटीजंस हैव इन अस। श्री सूर्य प्रकाश ने बताया कि दूरदर्शन के दर्शकों की संख्या 13.4% की वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ रही है। सूचना और प्रसारण सचिव अमित खरे ने इस अवसर पर कहा कि प्रौद्योगिकी चुनौतियों के अतिरिक्त दूरदर्शन को निजी चैनलों से भी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। देश में निजी चैनलों की संख्या 875 है। From the ministry's viewpoint, we would like to have a healthy competition where different broadcasters excel in their technologies, bring new content, and also give a variety of news, views, and entertainment to the public at large. चीन ने 2008 में पाकिस्तान स्थित लश्कर ए तैयबा द्वारा मुंबई में किए गए हमले को विश्व के सबसे भयानक आतंकवादी हमलों में से एक बताया है। चीन के अशांत शिनजियांग प्रांत में आतंकवादियों के खिलाफ जारी बड़े अभियान के बारे में एक श्वेत पत्र में चीन ने कहा है कि विश्वभर में फैले आतंकवाद और कट्टरवाद ने मानवता पर कहर बरपाया है। ये एक संयोग है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी की चीन यात्रा के दौरान ही चीन ने ये श्वेत पत्र जारी किया है। चीन का ये श्वेत पत्र ऐसे समय में आया है जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बुधवार को जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने के मामले में चीन ने चौथी बार अड़ंगा लगाया था। जापान ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया है। जापानी संसद की प्रतिनिधि सभा ने 7 सदस्यों के भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत में यह आश्वासन दिया। ये प्रतिनिधिमंडल जापानी संसद के आमंत्रण पर राज्यसभा उपाध्यक्ष श्री हरिवंश के नेतृत्व में जापान गया है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने जापान भारत संसदीय मैत्री लीग के सदस्यों के साथ द्विपक्षीय हित के विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की विवाद समाधान समिति में दायर मामला हारने के बाद भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई को 16 लाख अमरीकी डॉलर का जुर्माना अदा कर दिया है। ये राशि भारतीय मुद्रा में लगभग 11 करोड़ रुपये बनती है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष एहसान मनी ने कल कराची में यह जानकारी दी। पाकिस्तान बोर्ड की शिकायत थी कि उसने बीसीसीआई के साथ 2015 से 2030 के बीच दोनों देशों की क्रिकेट टीमों के मैच खेले जाने का समझौता किया था, जिसका बीसीसीआई ने पालन नहीं किया। बीसीसीआई ने समिति को बताया कि भारत सरकार से अनुमति नहीं मिलने के कारण पाकिस्तान के साथ मैच नहीं कराए जा सके। अबुधाबी में विशेष ओलंपिक्स खेलों में भारत ने अब तक 50 स्वर्ण 63 रजत और 75 कांस्य पदक जीत लिए हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि भारतीय प्रतिभागियों ने टेबल टेनिस में 4 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीतकर नया इतिहास रचा। दृढ़ संकल्प इच्छा शक्ति और उत्साह दिखाते हुए भारत की विशेष ओलंपिक टीम के मेडल जीतने का सिलसिला जारी है। रुपेश कल्लू और संतोषी विजय ने जूडो में जीत का परचम लहराया। जूडो टीम जिसने पहली बार विशेष ओलंपिक प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है अब तक 3 स्वर्ण और 4 रजत पदक अपने नाम कर चुकी है। रोलर स्केटिंग में विजय उफेजा शेख जश्नदीप सिंह हर्षन गोवानकर और हार्दिक अग्रवाल ने पदक जीते। दीनल जैन ने बटरफ्लाई तैराकी में भारत के लिए कांस्य पदक जीता। कंचन प्रसाद आकाशवाणी समाचार दुबई।
ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जागृति शर्मा। धन्यवाद विशाल। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की प्रयागराज से वाराणसी तक की गंगाजल यात्रा पर निकलने को आज के अधिकांश समाचार पत्रों ने सुर्खी बनाया है। हरिभूमि ने बॉक्स में प्रियंका के इन शब्दों को दिया है, चौकीदार अमीरों के होते हैं, किसानों के नहीं। देश के राजनीतिक हलकों में चौकीदार को लेकर जारी जुबानी जंग के बीच देशबंधु ने बॉक्स में खबर दी है, 1 करोड़ से अधिक युवा देश में कर रहे हैं चौकीदारी, इसी पेशे से कर रहे हैं अपने परिवार का भरण पोषण। कांग्रेस द्वारा उत्तर प्रदेश में सपा बसपा और राष्ट्रीय लोकदल के लिए 7 सीटें छोड़े जाने पर बसपा सुप्रीमो मायावती और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की तल्ख टिप्पणियों को भी समाचार पत्रों ने अहमियत दी है। नव भारत टाइम्स की सुर्खी है, कांग्रेस का रिटर्न गिफ्ट एसपी और बीएसपी ने लौटाया। पत्र ने मायावती और अखिलेश के शब्दों को दिया है, 7 सीटें छोड़कर भ्रम न फैलाए कांग्रेस। गोवा विधानसभा अध्यक्ष प्रमोद सावंत के राज्य के नए मुख्यमंत्री बनने को लगभग सभी अखबारों ने प्रमुखता दी है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, प्रमोद सावंत बने गोवा के सीएम, देर रात ली शपथ। मुकेश अंबानी द्वारा अनिल अंबानी को संकट से उबारने की खबर दैनिक भास्कर सहित सभी अखबारों में है। निभाया रिश्ता शीर्षक से राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, बड़े भाई मुकेश ने अनिल को जेल जाने से बचाया, 1 दिन पहले चुकाया एरिक्सन का बकाया, अनिल ने जताया आभार। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रमोद सावंत ने गोवा के नए मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाल लिया है। 11 अन्य मंत्रियों को भी शपथ दिलाई गई है। 97 संसदीय सीटों के चुनाव के लिए दूसरे चरण की अधिसूचना आज जारी होगी। भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज शाम नई दिल्ली में होगी। कांग्रेस ने 56 उम्मीदवारों की 5वीं सूची जारी कर दी है। लंदन की एक अदालत ने भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी का गिरफ्तारी वारंट निकाल दिया है। और चीन ने पाकिस्तान स्थित लश्कर ए तैयबा द्वारा 2008 के मुंबई हमले को सबसे भयानक आतंकवादी हमला बताया है। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।